दोस्तों अगर आप इस सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टी20 मैच से पहले साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने दी भारत को धमकी, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुन आपका भी दिल दहल उठेगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका की जीत के बाद तीसरे टी20 मैच की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस दौरान अंतिम टी20 मैच से पहले साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारत को जमकर धमकाया है, जहां डेल स्टेन, हाशिम आमला से लेकर एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी किया जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मैच भारत के चलते रद्द हुआ तो दूसरा टी20 मैच भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब अंतिम मैच भारत को करो या मरो की स्थिति के अनुसार 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेलना है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने तीसरे मैच से पहले भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी किया है, जिसमें डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले अंतिम मैच के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हमारी टीम के पास सबसे बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद है। हमारी टीम ने दूसरे मैच में भारत को हरा कर दिखा दिया है कि वो इस समय काफी कमजोर टीम हमारे सामने दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने हमारे क्लब बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहा। लेकिन अब अंतिम मैच में हमारी टीम के खिलाफ भारत को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि हम अंतिम मैच में भारत को हराकर सीरीज में जीत दर्ज करेंगे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख देंगे। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं हाशिम आमला ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में अंतिम मैच में हमारी टीम को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ने दूसरे मैच में जीत दर्ज करने के साथ अपनी बढ़त बना ली है। अब हमारी टीम को हारने से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि अब हमारी टीम किसी भी कीमत पर हारेगी नहीं। हालांकि अगले मैच में हम बेहतर प्रदर्शन करने के साथ सीरीज को तो अपने नाम करेंगे, साथ में इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंतिम मैच में हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन करने के बाद जीत दर्ज करते हुए दिखाई देगी। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम बुरी तरीके से हारने के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय टीम को जीत नहीं मिली। हालांकि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की टीम को काफी ज्यादा टक्कर दी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने बता दिया कि उनको उनके घर में हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा सीरीज में आगे हो चुकी है, ऐसे में साउथ अफ्रीका का अब सीरीज में हारना मुश्किल है, जिसके चलते अब भारतीय टीम को हमारे खिलाफ होने वाले अगले मैच में बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पहली बार भारत को टी20 सीरीज में हारने वाले हैं। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम की हार के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो वहीं फाफ डु प्लेसिस ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जीतने का प्रयास किया, लेकिन दूसरा टी20 मैच भारतीय टीम के पक्ष में नहीं गया। हालांकि इस मैच में जीत के साथ हमने बता दिया है कि हमारी टीम को सीरीज में जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा दबाव भारत पर रहेगा। क्योंकि अगर भारत इस मैच में जीत हासिल करता है तो सीरीज बराबरी पर होगी, और अगर मैच पर भारत पर दबाव के कारण हार जाता है तो सीरीज हमारे नाम होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करने की स्थिति के कारण भारत पर दबाव होगा। ऐसे में भारतीय टीम को हमारे खिलाफ हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम हार के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया तो वहीं दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अंतिम मैच 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाने वाला है, जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम के अंदर यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखाकर शामिल किया गया, क्योंकि इस खिलाड़ी ने भारत को पिछले मैच में काफी दिक्कत प्रदान की थी। ऐसे में अब इस बल्लेबाज को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया है। इसके अलावा दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में शामिल किया है, क्योंकि शुभमन गिल को सिर्फ एक मौका मिला है। ऐसे में उनको एक बार फिर से अगले मैच में टीम में शामिल किया गया और इनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 29 रन का योगदान दिया था। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने उनको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शामिल किया। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पिछले मैच में 56 रन का योगदान दिया था। ऐसे में एक बार फिर से इनको टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा
कुछ खास कमाल पिछले मैच में नहीं कर पाए थे और मात्र एक रन बनाकर आउट हुए थे। ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर टीम के अंदर ईशान किशन को एंट्री दी है, जो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया, जो भारत के नए और खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज बन चुके हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा पिछले मैच में ठीक ठाक प्रदर्शन करके आए थे। ऐसे में अब उनको टीम के अंदर इस मैच में मौका नहीं मिला है, क्योंकि इस मैच में उनको आराम देकर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल कर दिया गया है, जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में कुछ खास कमाल नहीं किया। ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए रवि बिश्नोई को मिल गया है, जो अपनी स्पिन बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान करते हुए दिखाई देने वाले हैं और भारत को मजबूती देने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तेज गेंदबाज के रूप में सबसे पहले मुख्य गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को शामिल किया है। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में एक विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी और सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में एक बार फिर से उनको टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में मोहम्मद सिराज का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मुकेश कुमार को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर 2 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया। हालांकि अर्शदीप सिंह पिछले मैच में काफी खराब गेंदबाजी करते दिखाई दिए थे, ऐसे में अब उनको एक बार फिर से बेहतर गेंदबाजी करने के लिए टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में अब गेंद 11 खिलाड़ियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच में भारतीय टीम की जीत दर्ज करने के साथ सीरीज को बराबरी करने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले अंतिम मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहेगी? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया है, तो वहीं दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अंतिम मैच में 14 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में खेला जाने वाला है, जिसके लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गुस्से में आग बबूला होते हुए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दरअसल कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं एक मैच में खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया। ईशान किशन को इस सीरीज में टीम में शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर ईशान किशन को पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल पिछले मैच में शुभमन गिल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 0 रन पर आउट हुए। ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में शुभमन गिल के बाहर होने से ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में एंट्री हो चुकी है, जो टीम के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी करते दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में शुभमन गिल के बाहर हो जाने से ऋतुराज गायकवाड़ के शामिल होने के कारण भारत टॉप ऑर्डर में मजबूत हो चुका है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 29 रन का योगदान दिया था। ऐसे में एक बार फिर उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जिसके चलते उनको टीम में एक बार फिर शामिल किया गया। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को शामिल किया है, जो टीम के कप्तान है और पिछले मैच में 56 रन का योगदान देकर आए थे। ऐसे में एक बार फिर उनसे इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को बाहर कर दिया है। विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर श्रेयस अय्यर की एंट्री कराई है, जो अपने बेहतर प्रदर्शन से भारत को मजबूती दिला सकते हैं।